कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी को दायित्व मिलने के बाद पहली बार उनके गृह क्षेत्र आने पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विभिन्न संगठनों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर को होर्डिंग तथा फ्लेक्स बोर्ड से सजाया गया। साथ ही खटीमा आगमन पर उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि भाजपा सीएम का गृह क्षेत्र होने के नाते खटीमा की सीट काफी हॉट सीट हो गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए शक्ति प्रदर्शन करते हुए मिशन 2022 हेतु भुवन कापड़ी ने सर्वप्रथम अमाऊ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनता का आभार एवं अभिवादन किया। इसके बाद शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। तत्पश्चात बुधवार पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके योगदान को भी याद किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए भुवन कापड़ी ने बताया कि जनता ने हमेशा उनका भरपूर साथ दिया है और गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश की जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। भारी संख्या में युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं, महिला सशक्तिकरण का भी नारा खोखला साबित हुआ। व्यापारी वर्ग, होटल एसोसिएशन से जुड़े लोग, पर्वती प्रवासी, संविदा शिक्षक, गरीब छात्र छात्राएं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। उन्होंने बताया कि हर तरीके से भाजपा की सरकार आम आदमी को मारने का काम कर रही है। खटीमा की जनता ने जब भी मैं कुछ बनकर आया या मुझे बनाने की बात हो तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया है और हमेशा ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है। मैं जब लोकसभा अध्यक्ष बना तब भी बहुत गर्मजोशी से किया, जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ, मंडी में गर्मजोशी से स्वागत हुआ और पिछले चुनाव में जहाँ 57 पर भारतीय जनता पार्टी आई तो मैं सबसे कम वोटों से हारने वाले लोगों में आया, तो उस टाइम भी जनता ने पूरे गर्मजोशी से मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया और ये उत्साह पूरे प्रदेश में है। मुझे लगता है कि आज हर जगह की जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। तो कापड़ी जी क्या कहना चाहेंगे, आगामी जो 2022 का चुनाव नजदीक है और आपके प्रतिनिधि अब विधायक पुष्कर सिंह धामी नहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, किस तरह से इसको लेते हैं? देखिए, मैं इसे एक अवसर के रूप में लेता हूँ, मैं इसे चुनौती नहीं मानता, एक अवसर मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ युवा होना युवाओं का वोट नहीं दिलाएगा। युवा सोच, युवा नीति, युवाओं का सुरक्षित भविष्य जो पार्टी तय करेगी युवा उसके साथ जाएगा और ये कांग्रेस पार्टी करेगी। आप देखिए, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी और देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने बनाए, राजीव स्टेडियम, आप आज वहाँ वो धूल फांक रहे हैं जहाँ 2018 में ओलंपिक कराने की तैयारी, बड़े आयोजन कराने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की थी, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके ताले नहीं खुले हैं। हमारा युवा जो खेल को अपने रोजगार से जोड़ रहा था, खेलों में प्रोत्साहित होकर आगे जाना चाह रहा था, उसके दरवाजे बंद कर दिए। हमारे जो साथी हमारी सरकार में उपनल के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगे हुए थे, जिनको कांग्रेस ने ये कहा था कि किसी भी आउटसोर्स से और उपनल से लगे हुए कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, आज धरने में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार उन्हें निकालने का काम कर रही है, उन्हें आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिनकी नौकरी लगी हुई थी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे गैस टीचर पिछले 4 साल से लगातार धक्के खा रहे थे और आज चुनावी वर्ष में उन्हें रख दिया और कहा कि वेतन बढ़ा दिया, तो कहाँ बढ़ाया भाई, कागजों में कहाँ शासनादेश हुआ? ये बात तो आप अखबार के माध्यम से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भाई अतिथि शिक्षकों का मामला बताई में कहाँ गया फाइल, ये पता ही नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने 2002 से 2007 तक जो उद्योग लगाए जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिला, मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला, आज वो उद्योग बंद होने की कगार में, डबल इंजन की सरकार इन उद्योगों को नहीं रोक पा रही है। तब आप दिल्ली में भी हैं, आप उत्तराखंड में भी हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि भाई और कहाँ आपकी सरकार बनेगी कि आप उद्योगों को रोक पाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, दो विधायक महिला उत्पीड़न में आप लोगों के सामने हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, सारी मीटिंग में वो लोग जा रहे हैं। तो आप देखिए, व्यापारी वर्ग हमारा कोरोना से इतना पीड़ित रहा, उन्हें कोई सहयोग नहीं किया, हमारे होटल एसोसिएशन के लोग जो वहाँ कर्मचारी थे उनके लिए कुछ नहीं किया, हमारे पर्वती प्रवासी जो लौट कर आए और प्रवासी लौट के आए, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ कुछ शुरुआत करेंगे, अपने प्रदेश आने का मौका मिला, उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, वो दोबारा वापस चले गए। तो मैं आज हमारे जो 12th पास करके जा रहा है छात्र, एक आम घर का, सरकार का काम होता है कि गरीब के लिए मदद करें।
गरीब के लिए योजना बनाए, जो एक आम घर का छात्र जो 50-60% लेकर आ रहा है उसको बीए और बीएससी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, बीकॉम में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जो बीए बीएससी पास कर रहा है बीए पास कर रहा है उसे एमए में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्टों से एडमिशन लेके पढ़ना है उनको जो है कि आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से एक आम आदमी को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोरोना में आपने खटीमा के अस्पताल का हाल खुद ही देखा, हमने धरना भी किया, तब भी आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं हुए, और फिजिशियन ही नहीं था जो उसको चला सकता था, खाली एक फॉर्मेलिटी कर दी, ऑक्सीजन लगा दिया, 90 से नीचे ऑक्सीजन हुई तो उसे रिफर कर दिया। हमारे मुझे लगता है अधिकांश लोग तो यहाँ से रिफर हुए, वो वापस नहीं आया। ये खटीमा के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है, जब लोगों को नेता की जरूरत थी। मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक 20 साल के अनुभव में ये सबसे बड़ा समय था कोरोना काल, जिसमें नेता की जरूरत जनता को थी, और मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के उस टाइम के विधायक और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें खड़े नहीं उतरे। खटीमा के लोगों को ऑक्सीजन के लिए आईसीयू के लिए दर दर भटकना पड़ा और अपने जो है जान देनी पड़ी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा,